ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा कि गाइस आप अपना खुद का मॉडल इस मॉडल के साथ कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाएगा इस वीडियो में। बस आप सभी को करना है कि आप सभी को वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है। एंड मैं इसमें जो भी बैकग्राउंड पिन जिसका यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यार आजकल आप लोग यार वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर रहे हो, और कमेंट नहीं कर रहे हो तो यार मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यार मैं वीडियो कैसे क्रिएट कर रहा हूँ यार। तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर दिया करो यार, आपके कमेंट से मेरे को एक मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियो लाने में भी काफी अच्छा लगता है। तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस आप सभी को ऐसे ऐसे कंटेंट तो आते रहते हैं आप सभी के लिए, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसपे की गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ आप इंस्टाग्राम यूट्यूब से रिलेटिव आपको मैं वहाँ पे कंटेंट देता हूँ कि आप उन चीज़ों पे उन प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आप में से कोई भी भाई अगर मेरा इंटरेस्टेड है तो जाके आप उस चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हो। अच्छा लगे कुछ भी तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके चेकआउट जरूर करना अगर टाइम मिले तो। बाकी चलेगा आज के इस नए वीडियो का बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को अपने इस मॉडल को गाइस कहीं पे भी मतलब फोटो क्लिक करवा लेना कुछ इस टाइप में। फिर उसके बाद आप सभी को ड्रॉ टूल मिल जाएगा गाइस, उसका बैकग्राउंड रेज करना है। उसको रेज करने के लिए आप सभी को पहले यहाँ पे अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे जाना है इरेजर टूल में। यहाँ पे गाइस इसकी जो हार्डनेस होगी वो 90 तक होगी, और जो साइज होगा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिर यहाँ पे सेट करेंगे एंड इसको फोटो को हम जूम करेंगे एंड ऐसे फटाफट से हम इसको रेज कर लेंगे। फिर गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने मॉडल को लेना है यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो मॉडल को ले लेना है यहाँ पे, ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइज आप सभी को मॉडल का ऐड कैसे करना है आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज, जो आपका जो दूसरा वाला मॉडल है इसका जो हैंड और जो आप हेड है वो आपके आपके जो कपड़ों में टच होना चाहिए, ठीक है, आपके शोल्डर के पास। तो ओपेसिटी कम करके चेक करना आपको इजीली वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आपको कुछ स्टेप से रखना है एंड इसको जैसे ये यहाँ पे ऐड सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी को इसकी ओपेसिटी आपको अपने मैनेज कर लेना है अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, यहाँ पे इरेजर पर क्लिक करके इसकी हार्डनेस को फुल करना है एंड साइज को छोटा करना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद हैंड के एरिया से वहाँ से इरेज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से हम आपको इरेज करते हैं। तो गाइस इरेज होने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ओपेसिटी वगैरह फुल कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। फिर उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है आप सबको जाना है ऐसा गेन ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाके गाइस आप सबको ये मास्क का पिंज लेना है, ठीक है। एंड इसको गाइस आप सबको कैसे ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ। आप सबको अपने हैंड के पास कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, अगर आपने कुछ इसको अपने हाथ में अगर पकड़ के क्लिक करवाया होगा तो आप उसको कवर कर लेना इस हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद इसके हम थोड़ी कलर एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट में जाएंगे एंड जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है इस पर जाएंगे एंड इसका सैचुरेशन हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे थोड़ा, ठीक है। एंड इसको इसका ब्राइटनेस जो होगा इसको हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेते हैं एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा इसको हम थोड़ा सा प्लस की तरफ कर लेंगे, ठीक है।
प्लस की तरफ एंड एपेक्स को डन कर देंगे। अब उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कम कर लेंगे एंड ऐसे रिजर्ट रूल में जाएंगे। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हार्डनेस फुल कर देंगे एंड साइज कम करेंगे एंड इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे हम इसको पेंट करेंगे। देन गाइस इतना हो जाने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप सबको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ले लेना है एक विगनेट का पीएनजी जो कि मैं आपको दे दूंगा। आपको उसको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है, इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, नीचे आपके डार्कनेस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से एकदम डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइस इसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करना है, उसके लिए जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना सैचुरेशन वाला ऑप्शन में, इसका थोड़ा सा -10 तक सैचुरेशन कर देना है, देन परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। अब गाइस आप सभी को यहाँ पे इसकी अपनी इस फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको यहाँ से लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो बिना रिटच करता है बिल्कुल अधूरी फोटो है हमारी, तो इसको हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में, तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा गाइस जिसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे एंड जो हाईलाइट होगा उसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, एंड जो शेडो होगा उसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे वाइट जो होगा इसको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे एंड जो ब्लैक होगा उसको कम कर देंगे। फिर जाएंगे हम नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जिसका टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देना है। फिर आपको मिक्स टूल में जाकर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड जो ये रेड कलर का आप यूज चेंज कर सकते हो, ठीक है, एंड उसका सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर उसका जाना आपको डार्क ब्लू में एंड जिसका सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ब्लू टोन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिला ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे जो कलर नोट रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। सो गाइस जैसा देखा कि आप सभी ने, हमने गाइस एकदम इजी स्टेप पे अपने मॉडल को एकदम दूसरे मॉडल से एकदम मैच भी करवा दिया एंड बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से ऐड कर दिया एंड गाइस रीटच करके हमने फोटो को और भी ज्यादा अमेजिंग एडिट कर दिया एंड करके आप में से भी कोई भी भाई अगर ऐसे फोटो का एडिट करता है तो प्लीज यार मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इंस्टाग्राम का, क्योंकि यार आप सभी जब मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो अपनी इमेज वाली जो एडिट करते हो उनको मेरे को टैग करते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम में फ्री शॉट आउट देता हूँ, तो प्लीज यार आप मेरे को टैग जरूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने एंड अगर अभी तक आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड अगर गाइस अगर अभी तक आप यहां तक आ चुके हो तो गाइस आपको साइड में दो वीडियो दिख रही होंगी, इन दो में से आप किसी वीडियो को क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। अगर यार आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप वहां जाकर कोई भी वीडियो को देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।